हेलो एवरीवन, यम्मी फूड विद मम्मी में आज राजस्थान स्पेशल कैर सांगरी की सब्जी, जो यहाँ पे बहुत ही लोकप्रिय है। विदेशों से लोग इसको खाने के लिए राजस्थान आते हैं और ये राजस्थानी थाली में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी सब्जी होती है। तो आज हम बनाएंगे इसकी रेसिपी। इसके लिए देखिए, मार्केट में सूखी कैर सांगरी मिलती है, बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगी आपको। हर किराना डिपार्टमेंटल स्टोर पे ये सब्ज़ी अवेलेबल है। इनको 4 से 5 घंटे हमें पानी में भिगोना है। ये देखिए, ये कुमटियाँ, ये कैर है और ये पतली पतली लंबी लंबी स्टिक जैसी दिख रही है, ये सांगरी होती है। इनको पानी में भिगोना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए। यहाँ पे मैंने 4 से 5 लाल मिर्च ली है, जो सूखी हुई थी वो भी इनके साथ भिगो दी है। अब गाइस, ध्यान ये रखना है हमको कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसको अच्छी तरीके से धोना। धोना इसलिए ज़रूरी है कि इस पर खूब मिट्टी लगी हुई होती है, तो सारी मिट्टी हमको हटाने के लिए लगभग हमको इसको 4 से 5 बार धोना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए, इस तरीके से छलनी में निकाल के रख दीजिए। यहाँ इसका मसाला तैयार करते हैं। तो 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। 2 चम्मच ही हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच भर के हमें खटाई के लिए इसमें अमचूर पाउडर डालना है। अमचूर पाउडर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें और कोई खटाई नहीं डलती है। ये देखिए, इस तरीके से पानी डालकर हम अपना मसाला जो है गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट जैसा बिल्कुल रेडी कर लेंगे। अब कढ़ाई में तेल ज़्यादा चाहिए हमको इस सब्ज़ी के लिए, तो मैंने 3 बड़े चम्मच तेल लिया है। और देखिए, 1/2 चम्मच हींग डाल के उसको चटकने दिया। जैसे ही हींग चटक जाए तो हमने जो मसाला बनाया है वो इसके अंदर अच्छी तरीके से डालकर उसको भूनेंगे। गाइस, यहाँ पे हमको मसाला भूनना बहुत ज़रूरी है जब तक कि सारे मसाला और तेल जो है वो आपस में अलग ना हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से आप भी बना दीजिए और उसको अच्छी तरीके से पकने दीजिए। ये देखिए, अभी 2 मिनट में ये देखिए सारा तेल जो है वो मसाले से अलग हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, मसाले में बहुत बढ़िया देखिए जाली आ गई है। इस तरीके से आप भी मसाले को अच्छी तरीके से भूनिए। लो फ्लेम पर भूना है मैंने मसाला, और जब हमारा तेल और मसाला इस तरीके से भून जाए तो उसके बाद में हमने जो सांगरी धो के रखी है, कैर सांगरी, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। देखिए, और इसको गाइज हमें बहुत अच्छी तरीके से मसाले से अच्छी तरीके से ऊपर नीचे करके इसको पूरे मसाले को इसके ऊपर कोट करना है। ये देखिए इस तरीके से, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ढक भी देंगे, जब तक कि तेल पूरा सब्जी से, ये देखिए तेल ना छोड़ दे सब्जी, तब तक हम इसको पकने देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब हम यहाँ पे इसको ढक देंगे। गाइस, ये सब्जी इतनी फेमस है कि यहाँ पे कोई भी अगर राजस्थान में टूरिस्ट आता है तो उसके लिए स्पेशल थाली में ये सब्जी रखी जाती है। ये देखिए, ढक्कन हटाने पर देखिए कितना बढ़िया सब्जी ने तेल छोड़ दिया है। यहाँ हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था। ये खाने में पूड़ी के साथ, पराठे के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। और ये सब्जी एक बार बनाने के बाद 10 दिन तक आराम से आप इसको रख सकते हैं, और फ्रिज में तो आप इसको महीने भर भी रख के खा सकते हैं। ये सब्जी ख़राब नहीं होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो गाइस, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।